हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, हम लोग ने एक नई चीज़ स्टार्ट की है जो कि है फ्री इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की ट्रेनिंग। ये सब ट्रेनिंग करने के लिए आपको मेरे फेसबुक से जुड़ना रहेगा। हमारा फेसबुक पेज है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जिससे जुड़ने पर आप जो भी डेली बेसिस पे क्वेश्चन आंसर आते हैं उसका आंसर दीजिए और नई नई चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट कर लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर बेसिक्स, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स, ऑटो कैड, DTP वगैरह, जैसे कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए और भी बहुत सारे हम लोग नए नए कोर्सेज चालू करने हैं। ये सब कोर्सेज करने के लिए आप प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिए, और इसके अलावा अगर लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए करना चाहते हैं तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप ऑनलाइन कोर्सेज आसानी से सीख सकते हो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ज़ीनर डायोड टेस्टिंग के ऊपर है। हालांकि ज़ीनर डायोड क्या है, कैसे काम करता है, इस पर ऑलरेडी मेरा वीडियो बन चुका है। अगर ये वीडियो जानना है तो आपको यहाँ पे आई का जो आइकॉन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करने पर उस वीडियो को आप देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं ज़ीनर डायोड टेस्टिंग के रिलेटेड सीखेंगे। तो ज़ीनर डायोड जो रहता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बहुत ही अलग डायोड है, नॉर्मल डायोड से काफ़ी हद तक अलग काम करता है। जैसे कि नॉर्मल डायोड एनोड से कैथोड तक आपका डेटा लेकर या करंट फ्लो करवाता है, जबकि कैथोड से एनोड तक नहीं करवा सकता है, वो रोक देता है। लेकिन ज़ीनर डायोड जो है रिवर्स डायरेक्शन में भी काम कर सकता है। जब ये ज़ीनर वोल्टेज तक पहुंच जाता है तभी ये काम करता है। तो ये जो है नॉर्मल डायोड और ज़ीनर डायोड के बीच में डिफरेंस है। ज़ीनर डायोड जो रहता है वो हैवीली डोप्ड रहता है, जो कि उसके अंदर जो जंक्शन रहता है पीएन जंक्शन, उसको एकदम हैवीली डोप्ड किया जाता है, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन करने की क्षमता रखता है, और इस ब्रेकडाउन को हम लोग बोलते हैं ज़ीनर इफेक्ट। हालांकि इनका जो संशोधन करता है वो है क्लियरेंस ज़ीनर, जिसके नाम पे इसका नाम जो रखा गया है ज़ीनर डायोड। ठीक है, अगर ज़ीनर डायोड की बात करें तो ज़ीनर डायोड जो है वो अलग अलग कलर और अलग अलग स्वरूप में उपलब्ध होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, उसी प्रकार से ब्लू कलर में, ग्रे कलर में, ब्लैक कलर में भी उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, तो ज़ीनर डायोड की बात करें तो जनरली ये जो आपका हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जहाँ पे रेड कलर आपको नज़र आ रहा है, वो हिस्सा हमारे लिए एनोड रहता है, और जो ब्लैक कलर जिस साइड में रहता है तो वो वाला हिस्सा हमारे लिए कैथोड रहता है। जैसे कि आपको सिंबल में नीचे नज़र आ रहा है, ये एनोड साइड है और ये कैथोड साइड है। देखिए, यहाँ पे भी दर्शाया गया है कि यहाँ पे जिस दिशा में आपका ब्लैक लाइन है वो हमारा कैथोड है, और उसके विपरीत दिशा में एनोड रहेगा। एनोड यानी प्लस, कैथोड यानी माइनस, एक सिंपल सरल भाषा में। अभी बात करते हैं उसको टेस्टिंग की। तो मान लो एक ज़ीनर डायोड मैंने लिया हुआ है और मल्टीमीटर लिया है, और मल्टीमीटर के जरिए इसको टेस्टिंग कैसे करेंगे? तो मल्टीमीटर को आप पहले डायोड की रेंज में सेट कर लिए, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। डायोड की रेंज में सेट करने पर रेड कलर का जो वायर है एनोड पे रखिए, और ब्लैक कलर का जो वायर है वो कैथोड पे लगा दीजिए। जैसे ही आप लगाओगे तो आपको कुछ वैल्यू नज़र आएगी। ये वैल्यू 0.5 से लेकर 0.78 के बीच में रहेगी, जने जैसे यहाँ पे बताया गया 0.627 करके। और जैसे ही आप प्रोब को उल्टा लगाओगे तो यहाँ पे नो वैल्यू नज़र आएगी, यानी कि कोई भी वैल्यू नज़र नहीं आएगी, या तो OL आपको लिख कर नज़र आएगा। ये देखिए, नॉर्मल सिचुएशन में आपको कोई वैल्यू नज़र आएगी और उल्टा लगाने पर आपको कोई भी वैल्यू नज़र नहीं आएगी। ये ऐसा माना जाता है कि ये जो डायोड है वो एकदम सही है। अभी बात करते हैं कि चलो डायोड तो आपने समझ लिया कि ये ओके है, लेकिन आपके पास मान लो कि कई सारे डायोड है और सब में अलग अलग कुछ लिखा हुआ है, आपको मालूम नहीं कि इसकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो आप घर पे बैठे बैठे कैसे पहचान सकते हो कि डायोड कितने वोल्ट का है? हालांकि डायोड जो है अलग अलग वोल्टेज में उपलब्ध है, जैसे कि 5 वोल्ट, 11 वोल्ट, 24 वोल्ट, 18 वोल्ट। तो आपके पास जो डायोड्स है उसमें से कौन से वोल्ट के कितने डायोड्स है वो आपको कैसे मालूम पड़े, ये हम लोग प्रैक्टिकली देख लेंगे। इसके अलावा हमें और एक चीज़ देखनी है कि ये डायोड खरीदेंगे कहाँ से। तो पहले खरीदेंगे कहाँ से वो टॉपिक को हम लोग देख लेंगे, इसके बाद में वीडियो में देखेंगे कि इस डायोड्स को हम लोग चेक कैसे करें, वोल्टेज उसका कैसे जानेंगे प्रैक्टिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नियॉन एक्सप्रेस, जो कि बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट से कंपोनेंट्स के रिलेटेड। यहाँ पे आप ज़ीनर डायोड लिखिए, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो ज़ीनर डायोड उसके मॉडल नंबर के साथ में आ जाएंगे। जितने भी वोल्ट का या जितने भी वैट का आपको ज़ीनर डायोड खरीदना है उस पर आप क्लिक कीजिए। मान लो मैं 47 वोल्ट का ज़ीनर डायोड खरीदना चाहता हूँ या 6 वोल्ट का ज़ीनर डायोड खरीदना चाहता हूँ, तो उस पर आप क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ पे आपको दिखाई देगा और उसकी कितनी कीमत है वो भी आपको नज़र आएगी। राइट, ये खरीदने के लिए बहुत ही बेहतरीन साइड है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आप बल्क ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बल्क बाई का मतलब क्या होता है, मान लो आप कई सारी चीज़ों को परचेज़ करना चाहते हो, तो बल्क बाई पे क्लिक कीजिए। यहाँ से एक सैम्पल शीट है एक्सेल की, तो आप डाउनलोड कर लोगे तो ये बल्क बाई का जो है एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे
अनेबल एडिटिंग कर लीजिए। अनेबल एडिटिंग करने के बाद आप जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए वो सब यहाँ पे डाल दीजिए, और वो चीज़ क्या है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, जीनर डायोड है, सब यहाँ पे लिख लीजिए। कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो लिखिए, अगर आपको स्पेसिफिक कोई कंपनी का चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं। आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, जिप कोड, एड्रेस वगैरह सब डाल के इस फाइल को सेव करके यहाँ पे सेंड कर लीजिए। ये देखिए, ये मेल आईडी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये व्हाट्सअप नज़र आ रहा है, इस पर आप सेंड कर लीजिए। तो विद इन 24 आवर्स आपको कोटेशन भी मिल जाएगा, साथ ही साथ इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको 70% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये उसकी जो खासियत है, इसलिए नियनो एक्सप्रेस ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अगर आपको एक साथ में ऑर्डर करनी है तो लगभग 70% तक का जो वैल्यू में इफेक्ट गिरेगा, जो कि बाज़ार से बहुत कम दामों में आप खरीद पाओगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं ये जो जीनर डायोड रहते हैं इनके वोल्टेज टेस्टिंग आप कैसे करोगे घर पर प्रैक्टिकली, वो देख लेते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक सर्किट की। ये जो सर्किट है आप यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इनपुट दे रहा हूँ, तो आउटपुट में आप चेक कर सकते हो। इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी और आपका जो जीनर डायोड है वो बीच में आपको लगाना रहेगा पैरेलल में। ओके, तो सर्किट पे पैरेलल में लगाने पर आपको वोल्टेज ड्रॉप जितना भी होता है उसके अनुसार आपको पता चल जाता है कि ये जो जीनर है उसकी वैल्यू कितनी है। इस तरीके से उसकी सर्किट आएगी, सिंपल अगर समझ में आए तो। देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस है, यानी कि यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगाइए और दोनों के बीच में एक जीनर डायोड लगा दीजिए और यहाँ पे आप वैल्यू को चेक कीजिए। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरह से चेक कर पाओगे। उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी कुछ चीज़ों की, जैसे कि आप समझो 9 वोल्ट की 3 बैटरी ले लीजिए। यहाँ पे जैसे नज़र आ रहा है 9 वोल्ट की बैटरी इस तरीके से दिखाई देती है। एक 10K का यानी कि 10 किलो ओम्स का एक रजिस्टर ले लीजिए और दो कलर के दो प्रॉक्स आपको कनेक्शन लीड्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि क्रोकोडाइल क्लिप के आधार पर रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं इसको प्रैक्टिकल यूज़ करके। तो सबसे पहले 3 बैटरी को मैं आपस में सीरीज़ में जोड़ देता हूँ। सीरीज़ का मतलब ये होता है बैटरी का ये हिस्सा प्लस कहलाता है, ये हिस्सा माइनस कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे दूसरी बैटरी भी उसके साथ में लगाई गई है और उसके ऊपर मैं एक बैटरी को अटैच कर देता हूँ। ये बैटरी अटैच करने पर होगा क्या, इसका प्लस इसके माइनस के साथ में जॉइंट होगा और इसका माइनस इसके प्लस के साथ में जॉइंट होगा, और ये जॉइंट करने पर ये पूरी सीरीज कनेक्शन बन जाएगा जिसमें से हमें 2 आउटपुट मिलेगा। ये देखिए, एक प्लस का और एक माइनस का। अभी इस प्लस के जो आउटपुट के साथ में एक रजिस्टर को बिठा दीजिए, जो आपका 10K का जो रजिस्टर है वो यहाँ पे आप लगा दीजिए। इसके बाद करना क्या है, इन 10K के रजिस्टर के साथ में आपको जो हमारी क्रोकोडाइल क्लिप है वो आप दो दो बिठा दीजिए। देखिए यहाँ पे बिठा के बताई गई है, एक वायर आपका यहाँ पे बिठा दिया और दूसरा वायर भी उसके साथ में ही अटैच किया गया। सेम तरीके से नेगेटिव साइड पर भी मैंने 2 क्रोकोडाइल क्लिप के जो कनेक्टर्स है वो लगा दिए हैं। अभी इससे करना क्या है, तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा एक मल्टीमीटर का। तो मल्टीमीटर मैंने ले लिया। मल्टीमीटर को क्या किया है कि लाल कलर का जो वायर है वो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया और ब्लैक कलर के वायर को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया नेगेटिव के साथ में। और मल्टीमीटर को मैं जो सेट करता हूँ वो वोल्टेज की रेंज में सेट करना पड़ेगा। डीसी वोल्टेज की रेंज में जैसे ही सेट करोगे तो मल्टीमीटर में आपको कुछ वैल्यू नज़र आएगी, जो कि रहेगी 27.2। जनरली 3 या 4 या 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द आपकी बैटरी कितने वोल्टेज है बैटरी के अंदर उसके आधार पर। जनरली यहाँ पे 9 वोल्ट की 3 बैटरी है तो 9 3 27, इस वजह से 27.2 आपको नज़र आ रहा है। ओके, और ये डीसी वोल्टेज है क्योंकि हम लोग ने डीसी सेट करके मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो यहाँ पे नॉर्मल आपको इस तरह से वैल्यू नज़र आएगी। अभी करना क्या है, अभी आपके पास 2 प्रोक और खाली बचे हुए हैं, यहाँ पे आपके जीनर डायोड लगेंगे। तो जीनर डायोड लगाते कैसे है, तो जीनर डायोड का जो ब्लैक कलर का जो हिस्सा यानी कैथोड का हिस्सा यहाँ पे एनोड के साथ में लगेगा, यानी कि प्लस साइड में लगेगा, और ये जो है वो माइनस साइड में लगाइए। ये देखिए, लगाने पर होगा क्या कि जितनी इसकी वैल्यू है, इस जीनर डायोड की जितनी वैल्यू रहेगी वो आपको मल्टीमीटर में दर्शाएगा। देखिए, तो जैसे ही मैंने लगाया तो ये जो जीनर की वैल्यू है वो लगभग 5 वोल्ट का है, इसलिए 5.2 के आसपास कुछ नज़र आ रहा है। ओके, इसी प्रकार से अगर मैं जीनर डायोड चेंज करता हूँ, ये 12 वोल्ट का मैंने जीनर डायोड लिया तो यहाँ पे 11.8 मुझे नज़र आ रहा है। तो इस तरह से कितने वोल्ट का जीनर डायोड है वो भी आप आसानी से इन प्रैक्टिकल के ज़रिए घर पर बैठे बैठे जांच सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से जीनर डायोड को आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं और कहाँ से भी खरीद सकते हैं, दोनों चीज़ का मैंने डिटेल आपको बता दिया। अगर अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड तो इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो या मुझे इस मेल आईडी पे मेल भेज दीजिए या व्हाट्सअप कर लीजिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।